हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका अकाउंट बंधन बैंक में है और आपको स्टेटमेंट की रिक्वायर्ड है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड किया जाता है एक साल, दो साल या तीन साल का। अगर डाउनलोड में कोई प्रॉब्लम होता है तब भी उसका सोल्यूशन बताऊंगा। तो सबसे पहले वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है, उसके बाद बंधन बैंक टाइप करना है, उसके बाद फर्स्ट वाला जो ऑप्शन रहता है बंधन बैंक का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू टू लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली जो है आपको यूजर आईडी पासवर्ड आपको यहाँ फिल कर देना है। अगर आपको यहाँ यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है या रजिस्टर्ड नहीं किए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मैं अपना यूजर आईडी यहाँ और पासवर्ड यहाँ फिल कर देता हूँ, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। तो चलिए मैं कर देता हूँ लॉगिन पे क्लिक। ओके, पासवर्ड फिल कर देता हूँ मैं पहले। ओके, ओके, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरा जो अकाउंट है लॉगिन हो गया है सक्सेसफुली। तो मुझे स्टेटमेंट चाहिए, तो चलिए मैं स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करता हूँ ये आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ जाना है माय अकाउंट्स पे। उसके बाद यहाँ नीचे आप देख सकते हैं माय अकाउंट अकाउंट स्टेटमेंट, इस पर क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद पहले तो आपका अकाउंट चूज करना है कौन सा आपका अकाउंट है, करेंट है या सेविंग है। उसके बाद यहाँ देखिए मिनी स्टेटमेंट यहाँ से आप निकाल सकते हैं। पास्ट वन मंथ का स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं, छः महीने का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं और करंट फाइनेंशियल ईयर का भी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं जो कि एक साल का होता है, और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का मतलब पिछले साल का आपका यहां से स्टेटमेंट निकल जाएगा। अगर आपको डेट वाइज चाहिए तो आप यहां से डेट वाइज भी आप यहां से निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक साल का निकाल के दिखाता हूँ करंट फाइनेंशियल ईयर का। तो चलिए यहाँ से मैं कर देता हूँ डाउनलोड। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं मेरा डाउनलोड हो चुका है। ये डाउनलोड मोबाइल से अगर आप लोग लॉगिन करते होंगे तो आपको यहाँ से एरर नज़र आता होगा या आपको कुछ भी शो नहीं होता अगर डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, बट कुछ भी शो नहीं होता होगा क्योंकि वहाँ से ये वर्क नहीं कर रहा है। अगर आपको डेस्कटॉप है या लैपटॉप है तभी आपका वो चीज़ वर्क करेगा, लॉगिन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल से नहीं हो रहा है। तो मैं जो भी नहीं कर पा रहे हैं तो वो मोबाइल से ना करें, लैपटॉप या डेस्कटॉप में जाके आप यहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा, आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो यही है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है इससे रिलेटेड या कन्फ्यूज़न है आपका स्टेटमेंट को निकालने के लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा।